1989 के अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में बदलाव को लेकर देश प्रदेश सहित रीवा में भी हुआ धरना प्रदर्शन। जैसा कि हम आपको पूर्व में भी दिखा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के खिलाफ कांग्रेस ने ज्ञापन देकर विरोध जताया था, वहीं आज इस जाति के लोगों ने देश प्रदेश सहित रीवा की सड़कों में उतरकर अपना विरोध जताया। दलित समाज ने रीवा सहित प्रदेश की सड़कों में अपनी ताकत का एहसास कराया। रीवा में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा, वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में जैसे मुरैना ग्वालियर में यह हिंसक हो गया, जहां पर कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत इस समाज पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक विशेष कानून बनाया था, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार ने 29 साल में बदलवा दिया, ऐसा आरोप लगाया दलित समाज के लोगों ने। हम आपको यह भी बता दें कि पूरा मामला क्या है। एससी एसटी एक्ट 1989 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन दायर की थी। यह आरोप लगाया था कि इस एक्ट का दुरुपयोग होता है, इसमें बदलाव होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से पूछा क्या दुरुपयोग होता है, केंद्र सरकार ने हां में जवाब दिया। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने का निर्देश देते हुए नई दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने इस फैसले को कितनी गंभीरता से ले, इसे आप समझ सकते हैं। उसने अपने कैबिनेट की बैठक में इस बारे में बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। जब कांग्रेस ने ज्ञापन और दलित समाज ने सड़कों में उतरने का फैसला किया, तब जाकर केंद्र सरकार की नींद टूटी। इस मामले के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करने का निश्चय किया। तब तक काफी देर हो चुकी थी, देश में आग लग चुकी थी। इस मामले में कुछ मौतें भी हो गई। ऊपर वाले का शुक्र है, रीवा में प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा। दलित समाज के लोग पहले स्वामी विवेकानंद पार्क में एकत्र हुए, यहां से उनका काफिला सिरमौर चौराहा होता हुआ शहर के मुख्य मार्ग से दुकानों को बंद कराता रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर एसपी कलेक्टर ने उनकी मांगों को ध्यान से सुना और ज्ञापन की कॉपी ली। हम लोग सभी समाज के लड़ने आए हैं 1989 के लिए, जो हम लोग कैक्ट पार्क की गाथ है एस सी एस टी तो उन्हें खत्म कर दिया गया है, उसके लिए हम लोग ये मोर्चा निकाले। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून जो बना हुआ था 1989 में उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी संशोधन और फेरबदल कर दिया है, और उसका कारण जो केंद्र की सरकार है उसने उसके जो विद्वान वकील हैं उन लोगों ने न्यायालय में वहाँ तर्क नहीं रखे। जाति जनजाति अधिनियम 1989 की जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम था, उसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो संशोधन किया गया है, जो शिथिल किया गया है, मैं उसके विरोध में हम लोग आज रीवा में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारत बंद का आयोजन एससी एसटी एक्ट के अगेंस्ट किए जा रहे दुर्व्यवहारपूर्ण नीति, जो भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के फैसले के अगेंस्ट में उन्होंने जो याचिका नहीं दी, उसी का कारण है कि भारत बंद का आयोजन किया गया। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लड़ने के लिए आई हूँ। जी हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एस सी एस टी एक्ट 1989 खत्म किया है, तो हम लोग ये विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। मैं श्रीमान जी जो एस सी एस टी धारा जो इन्होंने खत्म कर दिया है, दीपक मिश्रा जी माननीय न्यायाधीश महोदय, उस बात के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि एस सी एस टी धारा जो है पुनः से लागू की जाए, अधिनियम 1989 लागू किया जाए और पुनः से बहाल करके और पूरे देश में आम चैन की जिंदगी दी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा माननीय दीपक मिश्रा जी द्वारा एस सी एस टी एक्ट 1989 को धारा 4 के अंतर्गत जो उसमें संशोधन कर दिया गया, आदेश पारित किया गया, पूरे देश में एस सी एस टी एक्ट को इस तरह से निष्प्रभावी कर देने से
निश्चित रूप से जो एस सी एस टी के लोग हैं उन पर जो है ये सवर्ण वर्ग के लोग जो है अन्याय अत्याचार करेंगे और ज़्यादा जुल्म करेंगे।